की हेडलाइन पर, प्रेम प्रकरण कलमेश्वर में दिन दहाड़े हत्या, बाघ के हमले पर दो वृद्धों की मौत, पानी के लिए हैंडपंप और कुओं पर भारी भीड़। अब खबरें विस्तार से। कलमेश्वर में एक नाबालिग ने अपनी प्रेमिका के दूसरे युवक के साथ संबंध रखने की रंजिश में उसके प्रेमिक की दिन दहाड़े हत्या कर दी। यह इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने कुछ ही घंटे में इस कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। माधुरी यहन परिवर्तित नाम बताया जा रहा है और मृतक तुषार युवक जोड़े उम्र 19 के बीच प्रेम प्रकरण चल रहा था। तुषार सेनखप तहसील काटुल का निवासी है। वह श्रावणी IIT गोदनी का छात्र है तथा पठान लेआउट में किराए से रहता है। माधुरी और तुषार अक्सर मिला करते थे। इस हत्या का आरोपी 16 वर्षीय नाबालिग पुराना एक तरफा प्रेमिक बताया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जानकारी पुलिस कर रही है। चंद्रपुर जिले की ब्रह्मपुरी और सिंधेवाड़ी तहसील में शनिवार को दो अलग अलग घटनाएं में बाघों के हमले से दो वृद्ध लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में से एक महिला का समावेश है। इन घटना के बाद आसपास के गांव में लोगों में जबरदस्त दहशत का माहौल है। वही वन जीव प्रेमियों का कहना है कि ग्रामीणों की गलती का खामियाजा उन्हें अपनी जान गवा कर चुकाना पड़ रहा है। भंडारा, भीषण गर्मी तथा पानी की किल्लत की वजह से RO वाटर की मांग बढ़ी है। गाँव में सार्वजनिक एवं निजी कुआ के साथ हैंडपंप पर पानी के लिए भीड़ होने का चित्र दिखाई दे रहा है। महिला पुरुष एवं बच्चे साइकिल बाइक हाथेले पर बर्तन लेकर घर से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो सुविधा मिले उसे पानी लाया जा रहा है। RO का शुद्ध एवं ठंडा पानी लेने का चलन अब शहर के साथ ग्रामीण में भी बढ़ने लगा है। कुछ शहर एवं ग्राम अभी भी एक दिन के पश्चात पीने के पानी की आपूर्ति कर रहे हैं। नल आते ही 2 से 3 घड़े पानी भरने पर पानी की आपूर्ति बंद हो जाती है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।